चलिए अब ये जो बता रहा था शुरू किया जाए सिलेबस। एक जैसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखिए बड़ा गोला है, तो ये जो है व्यापक अवधारणा है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है संकीर्ण अवधारणा है। अब जैसा समझिए थोड़ा सा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते समय हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए जितना भी हम लोग देशों के मध्य जो है वह देखा जाए तो सभी तरीके का संबंध, चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे सांस्कृतिक संबंध हो, चाहे शैक्षणिक संबंध हो, तकनीकी संबंध हो, इन सब चीज़ों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ जो है जैसे मान लीजिए भारत यूनेस्को का सदस्य है, WTO का सदस्य है, UNO का सदस्य है, हैं, या मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों पर भी भारत हस्ताक्षर किया है, तो ये जब हम लोग पूरा इस तरह का समग्र अध्ययन करते हैं, कोई भी देश जो है दूसरे देशों के साथ जो बहुआयामी संबंध बनाता है, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध रखता है, राजनीतिक आर्थिक संबंधों के साथ सांस्कृतिक संबंध रखता है, या इसी प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी दोनों संबंध रखता है, देश के आंतरिक और देश के बाहरी सभी पहलू जो है प्रभावित हो जाते हैं, तो विश्व को अंतर संबंधित मानकर जब विश्व व्यवस्था का समेकित अध्ययन किया जाता है, समग्र अध्ययन किया जाता है, अंतर संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ऐसी विषय वस्तु को जो है इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। दो लाइन लिख दीजिए यहीं पर, जो गोला बनाए हैं यहीं पर लिखिए, बस दो दो लाइन लिखना है, देशों के मध्य, वहीं पर दो लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं, देशों के मध्य राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक आदि संबंधों का अध्ययन करना, इसमें विश्व को अंतर संबंधित मानकर, इसमें विश्व को अंतर संबंधित मानकर विश्व व्यवस्था का बहुआयामी अध्ययन किया जाता है, देश के बाहरी और आंतरिक सभी मामलों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में रखिए कि आज जो हम लोग वैश्वीकरण में जिस संबंध की बात करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, क्योंकि हम लोग किसी भी देश के साथ राजनीतिक पहलू है तो सांस्कृतिक आर्थिक सब तरीके की बात होती है। मान लीजिए किसी देश का देखिए कोई संगठन है, तो हमारे यहाँ NGO के रूप में कार्य करता है, तो मैं बताया कि इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों पहलू हैं। मान लीजिए हमें कहते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, चाहे ऑक्सफाम है, चाहे मान लीजिए सब करिए कि रोटरी क्लब है, तो तमाम भाई रोटरी क्लब, या मान लीजिए जो जो हेल्थ वाला होता है जहाँ युद्ध होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी, तो हमें कहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी कोई भारत का थोड़े ना, तो ब्रिटेन की संस्था है, लेकिन भारत में भी देखा जाए तो सहयोग करता है। तो आजकल सब आपस में सरकारी गैर सरकारी सब जो आपस में मिल गए हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सब संबंध का अध्ययन करते हैं, उसमें क्षेत्रीय संगठन भी हैं, वैश्विक संगठन भी हैं, तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। और ये मैं बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण अवधारणा का मतलब यह है कि इसमें जो है केवल राजनीतिक और शक्ति संबंधों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, अन्य संबंध जो है बहुत कमजोर होते हैं। और सामान्यतः 1990 से पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन 1990 के बाद जो वैश्वीकरण का वातावरण आया है, उस वातावरण में जो है जो अंतर संबद्धता बना है, जो विश्वग्राम की अवधारणा आई है, उस विश्वग्राम की अवधारणा में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग करना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का नहीं। जैसे कुछ आप कहीं पर ऐसे लिख रहे हैं, कहीं आंसर लिख रहे हैं, तो आप उसमें यह मत लिख दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत भारत अमेरिका संबंध मधुर हो रहा है, पढ़ने वाला भी हंसेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दो लाइन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे लिख दीजिए। यह सीमित अवधारणा है, इसमें राजनीतिक आबलिक शक्ति संबंधों पर ज्यादा बल दिया जाता है, अन्य संबंध राजनीतिक आबलिक शक्ति संबंधों पर ज्यादा बल दिया जाता है, अन्य संबंध कमजोर होते हैं, जैसे 1990 से पहले की स्थिति। और अपने दिमाग में एक लाइन ध्यान रखना है कि 1990 से पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो पावर पॉलिटिक्स है, उस पावर पॉलिटिक्स पर ज़्यादा बल दिया जाता था। 1990 के बाद जो है हम लोग जो है पावर पॉलिटिक्स के जगह पर जो है वो देखा जाए तो मल्टीपर्पज़ जो रिलेशन है उस पर ज़्यादा बल देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसीलिए हम लोग IR शब्द का प्रयोग करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो पहले टर्म हो गया, इसी तरह से दो दो लाइन आप लोगों को जानना है, ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो विश्व स्तर पर सभी देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए सब करिए संबंध बना रहे हैं, तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है खेल हो गया। और इस खेल में जैसे खिलाड़ी भाग लेते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देश भाग लेते हैं।
और देश को हम लोग जो है एक्टर कहते हैं, कर्ता। हिंदू पेपर पढ़ते होंगे तो देखिए एक्टर शब्द का प्रयोग लिखता है, तो ये देश इसमें भाग लेते हैं। जैसे खिलाड़ी खेल में भाग लेता है वैसे देश को हम लोग एक्टर कहते हैं, और यूएनओ जैसे यूनिवर्सल एक्टर हो गया। तो इस तरह से देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्रीय संस्था है तो उसको जो है हम लोग सेमी एक्टर कह देते हैं, तो देश भाग लेते हैं। अभी बताइए कोई खिलाड़ी जो है खेल में भाग ले रहा है तो खिलाड़ी किस लिए खेल में भाग ले रहा है? मैच जीतने के लिए। मैच जीतने के लिए भाई ये बताइए, आप परीक्षा देने के लिए गए तो सामान्य सी बात है, कोई यदि गांव में पूछता कि परीक्षा क्यों दे रहे हैं, मतलब बनने के लिए दे रहा हूं, भले आप पास हों चाहे फेल हों, लेकिन परीक्षा देने जा रहे हैं तो मन में तो यही ना कि पास हो के आऊंगा। तो कोई खिलाड़ी चाहे मान लीजिए बांग्लादेशी वर्ल्ड कप खेल रहा है तो बांग्लादेश से बोलेंगे कि वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लगाए भारत तक इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कहाँ जीत पाएंगे? क्या बोलेगा? इस बार जीत के दिखाऊंगा। हाँ देखिए सेमीफाइनल तक पिछली बार गया था ना वर्ल्ड कप में, याद है? ये बताइए उसका हौसला नहीं बुलंद रहता तो जा पाता? भारत को भी तो हरा चुका है वर्ल्ड कप में। तो देखा जाए तो ये बताइए कि मैच जीतने के लिए खिलाड़ी खेलता है तो देश जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग ले रहा है वो किसके लिए भाग ले रहा है? अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए। अभी राष्ट्रीय हित पढ़ाता हूँ, नेशनल इंटरेस्ट उसका है। हम अमेरिका से ये बताइए यूक्रेन के बारे में भारत कुछ बोला? रूस के बारे में भारत ने कुछ बोला? नहीं। राष्ट्रीय हित, बीच में देखिए खूब विवाद हुआ, अमेरिका दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन भारत कुछ नहीं बोला, क्योंकि भारत का न बोलना ही भारत के राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देता है। कुछ भी बोल देगा समस्या आ जाएगा तुरंत, क्योंकि रसिया को हम नाराज नहीं कर सकते हैं, चीन से हमारा सीमा विवाद लगा हुआ है, रूस और चीन एक यदि पूरा मिल गए तो समझिए भारत परेशान हो जाएगा। वास्तविक स्थिति यही है, पाकिस्तान और चीन के मधुर संबंध हैं, रसिया के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। और फिर दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो अमेरिका से भी हमारे संबंध हैं, और फिर अमेरिका से संबंध बनाकर थोड़ा सा हम चीन को काउंटर करेंगे, चीन रूस से हम सामान्य संबंध देखिए बनाकर रखे हुए हैं। ये सब जितना भी घटनाक्रम होता है, आईपीएल मैच देखे होंगे ना, अच्छा जो बॉलर था क्या कर रहा था, देखिए एकदम जो है कभी फुल टॉस गेंद फेंक रहा है, कभी देखा जाए तो लेंथ लंबी रख रहा है, कभी कम कर रहा है, एक बॉल पर देखिए छक्का, फिर देखिए मुस्कुराते हुए जाता था, मुस्कुराते तो नहीं दुखी मन से फिर जाता था, फिर दूसरा गेंद फेंकता था, फिर चार रन, और तीसरे गेंद पर बस बॉल को जो है स्पीड धीमा किया, बोल्ड खत्म, जाइए, कर दिया काम, अपना काम वो कर चुका। ये रणनीति है कि राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए ये जो है ये जो राष्ट्रीय शक्ति की जरूरत पड़ती है, और राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए रणनीति की जरूरत पड़ती है, यही रणनीति जो है फॉरेन पॉलिसी है। भाई ऐसे समझिए कि अभी राष्ट्रीय शक्ति भी पढ़ाता हूँ, अभी राष्ट्रीय हित भी पढ़ाता हूँ, जितना आप शक्तिशाली होंगे उसी के हिसाब से तो अपने राष्ट्रीय हित को देखेंगे। भाई हम कहते हैं यदि मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपया जो है अडानी साहब के पास है, 2,000 करोड़ रुपया कैश जो है मान लीजिए सबको करिए अंबानी साहब के पास है, तो ईडी जांच करने जाएगा? नहीं जाएगा। 1-2 हजार करोड़ रुपया क्या उनके लिए चीज है? लेकिन कोई मान लीजिए कहीं क्लर्क है और उसके पास 500 करोड़ रुपया है, खैर है नहीं है ना। अरे आईएएस अधिकारी के पास 500 करोड़ रुपया यदि कैश पड़ा हुआ है तो तब भी ईडी जांच कर लेगा कितना पैसा आया कहां से। कोई बिजनेसमैन मान लीजिए कैश रखा हुआ है उसको 100-200 करोड़ के लिए, तो बिजनेसमैन के पास यदि 100-200 करोड़ है भी कैश या अकाउंट में मान लीजिए 200 करोड़ जमा है, तब भी ईडी वाला जांच करने नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उतना तो उसके पास होगा ही। तो कभी आपने सोचा कि जितना जो शक्तिशाली होगा उसके हिसाब से वो अपने हित की बात करेगा? तो राष्ट्रीय शक्ति से ही राष्ट्रीय हित पूरा होता है, जो जितना शक्तिशाली होगा उसके हिसाब से अपने हित को सोचता है। अभी पढ़ाता हूँ इसको, इतना ही रोकिए थोड़ा सा। अब मैं ये सब टर्म हो गया ना, अब मैं एक एक टर्म को फिर क्लियर करता हूँ। ये रणनीति का मतलब विदेश नीति। तो अब मैं पहले थोड़ा सा बस यहीं पर जैसे जल्दी से समझा दूं, ये अपने दिमाग में केवल चार लाइन रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है जो हम लोग समझते हैं वो खेल है, उस खेल में सब देश भाग लेते हैं, और किस लिए भाग लेते हैं? तो अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए। और राष्ट्रीय हित कैसे पूरा होता है? तो राष्ट्रीय शक्ति से पूरा होता है, जितना शक्तिशाली होंगे उसके हिसाब से राष्ट्रीय हित पूरा होता है। अच्छा ये बताइए मान लीजिए आपका गाँव में कोई खेत का विवाद है, गांव देहात में होता ही है खेत का विवाद, गांव में कोई विवाद है, अभी जाके आप बोलेंगे कि हमारा सब खेत छोड़ दो। गांव में यदि आप नहीं जाते हैं तो 2-4 बीघा खेत लोग इधर उधर करते ही हैं, मेड़ ओड़ इधर उधर करते रहते हैं, सामान्य सी घटना है, कोई विशेष घटना नहीं है, कलाकारी करते ही रहते हैं। अभी जाके आप कहेंगे तो आपका खेत मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, झगड़ा करना पड़ेगा।
और जब मान लीजिए आप IAS अधिकारी बन जाएंगे, IPS अधिकारी बन जाएंगे, और उसके बाद जाके उसी व्यक्ति से बोलेंगे कि अरे भाई खेत हो, बोलेगा भैया हम सब खेत सीधा कर दिए हैं, आप चिंता मत करिए, वो तो आप लोग नहीं आते थे इसलिए हम लोग सोचते थे चलो भाई नहीं आ रहे हैं। जब ये पता चल गया कि भाई आप लोग आएंगे जाएंगे खेती करेंगे तो हम लोग सब छोड़ दिए, वो आप वही हैं, उसको पता है कि अब हम ले नहीं पाएंगे, अब हम झगड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इस राष्ट्रीय शक्ति से ही तो राष्ट्रीय हित आपका पूरा हुआ, आपका व्यक्तिगत हित पूरा हुआ, अब आपसे झगड़ा थोड़े ना करेगा, वो आपसे संबंध बनाएगा क्योंकि उसको पता है कि हमारा हमको 10 काम कराना है, ये मैं समझा रहा हूँ। अमेरिका शक्तिशाली है इसलिए अमेरिका से सब देश संबंध बनाते हैं, नेपाल से कितने देश संबंध बनाते हैं, भूटान से कितने देश संबंध बनाते हैं। भारत शक्तिशाली है इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति नेपाल भूटान बांग्लादेश कितनी बार गया, कितनी बार गया बताइए कोई व्यक्ति, कभी नहीं गया न कभी जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति नेपाल नहीं जाएगा, भूटान नहीं जाएगा, उसका इतना स्तर नहीं गिर गया है। कोई IAS अधिकारी जाकर लेखपाल से कानूनगो से मिलकर नहीं पूछेगा कि हमारा जमीन किधर है। IAS अधिकारी SDM को फोन कर बोलेगा अरे हमारा गांव का पता तो करके बताना, तो अरे साहब ठीक है शाम को अभी बताता हूँ एक घंटे में पूरा सब ठीक कराता हूँ, क्योंकि अपने स्तर से बात करेगा ना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जो शक्ति है उससे जो है हित प्रभावित हो रहा है। और एक चीज मैं बताया रणनीति, इसी रणनीति को हम लोग विदेशी नीति कहते हैं। तो जब जरा समय इसको पहले बताता हूँ फिर इसको बताता हूँ फिर इसको बताता हूँ, अब एक नंबर समझिए। विदेश नीति तो मैं बताया कि जैसे विदेश नीति है, तो विदेश नीति अभी मैं बताया कि एक प्रकार से रणनीति है। जैसे अभी मैं बताया कि अच्छा खिलाड़ी है, 4 रन चला गया 6 रन चला गया कोई टेंशन की बात नहीं, यदि 2 विकेट निकाल दिया तो अपना काम तो कर दिया ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रणनीति बनाना है जिससे हमारा राष्ट्रीय हित पूरा हो। मोदी साहब देखिए रणनीति बनाने मास्टर आदमी है, कुल का जवाब थोड़े ना है, आप चाहे जितनी आलोचना कर लें। आज जो भारत की स्थिति विश्व स्तर पर है वो स्थिति आजादी के बाद भारत की कभी नहीं रही। आज अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भारत की स्थिति है वैसी स्थिति कभी नहीं रही। इस कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं हम लोगों को है, आलोचना आप कर लीजिए आपका अधिकार है, लेकिन कहने का मतलब कि जो स्थिति है आज मान लीजिए अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे फ्रांस हो, देखिए सब देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर विदेश नीति एक प्रकार से मैं बताया कि रणनीति है, और रणनीति है तो राष्ट्रीय हित को पूरा करने का साधन है, राष्ट्रीय हित को पूरा करने का साधन। अब राष्ट्रीय हित को पूरा करने का साधन है तो ये बताइए इस विदेश नीति में जो है कुछ सिद्धांत भी होता है और कुछ व्यवहार भी होता है, कुछ सिद्धांत भी होता है कुछ व्यवहार भी होता है। सिद्धांत का मतलब ये चीज है कि जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि हम लोग क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन है, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये सब क्या हुआ सिद्धांत हो गया। अब व्यवहार का मतलब ये हो गया कि अभी पाकिस्तान में मान लीजिए भूकंप आएगा, पाकिस्तान में बाढ़ आएगा, तो सबसे पहले कौन सहायता करेगा, भारत। अब भारत अब हम लोग देखिए कुछ लोग जब नहीं समझ पाते हैं बोलते हैं देखिए अपने यहाँ इतना समस्या आ रहा है, भारत जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, अपने यहाँ दवाई कितनी जरूरत थी, टीके कितनी जरूरत थी, भारत दूसरे देशों को टीका बेचा, नहीं पेपर पड़े होंगे कभी आपने सोचा कि वो सब स्ट्रेटजी के तहत वो विदेश नीति का पार्ट है। मान लीजिए 20-30 टन हम कहते हैं कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपया पाकिस्तान में हम लोग खर्चा कर दिए, सब कम्बल उम्बल इधर उधर भेज भाग दिए भूकंप आ गया तो। लेकिन आप समझ रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया खर्चा करके भारत जो है 1000 करोड़ रुपये का काम कर दिया है, ये रणनीति है। क्योंकि भारत विश्व स्तर पर मोदी साहब जाएंगे तो यही तो बोलेंगे कि भारत अपने दुश्मन देश के साथ भी जो है पड़ोसी धर्म निभाता है, ये कब बोलेंगे, जब मदद कुछ कर लेंगे तब ना बोलेंगे। तो हमें कहते हैं तो जो अमेरिका है चाहे जापान है चाहे अन्य देश है, तभी तो आप क्या निवेश करेंगे कि भारत जैसा कोई देश नहीं है जो दुश्मन के साथ भी मित्रता निभाता है। तो ये सब व्यवहार चलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिद्धांत भी चलता है साथ में जो है व्यवहारिक पहलू भी चलता है, ये दोनों मिलाकर जो है वो देखा जाए तो विदेश नीति बनती है। अब जैसे देखिए अभी मैं बता रहा था कि यह सिद्धांत और व्यवहार का जो समुच्चय है, यह समुच्चय क्या करता है, तो अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह समुच्चय जो है हमारी सुरक्षा को मजबूत करता है। जो राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित है उसमें सुरक्षा है, विकास है, इस राष्ट्रीय हित में जो है हमारी सभ्यता संस्कृति की रक्षा है, सभ्यता संस्कृति की रक्षा। और साथ ही साथ ये सोचिए अभी जो मैं समझा रहा था एडाप्टेशन, कि भारत जो है विश्व स्तर पर देखा जाए तो अपनी अनुकूलन क्षमता को भी बढ़ावा देता है। अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देना, अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देना इसका मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए दूसरे देश के व्यवहार को अपने पक्ष में बना लेना, अपने अनुरूप दूसरे देश को ढाल लेना। ये बताइए UNSC में भारत अस्थायी सदस्य है, इसमें तो है ही है 21-22 में,
तो आप देख रहे हैं भारत के पक्ष में कितना वोट पड़ा था, विपक्ष में कितना वोट पड़ा था, 2-3 बस, इससे ज्यादा कोई वोट नहीं, क्योंकि भारत अपना अच्छा माहौल बना रखा है विश्व में। इसको बोलते हैं एडाप्टेशन। और दूसरा चीज होता है, दूसरा देश जो भारत का विरोध करना चाहता है तो ऐसी रणनीति भारत बनाता है कि उसका विरोध कारगर नहीं हो पाता है। पाकिस्तान जाकर भारत की आलोचना करेगा कहीं पर, कोई सुनने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं एडाप्टेशन, अनुकूलन। इस अनुकूलन में दो चीजें आती हैं, बना सकते हैं अनुकूलन में, एक तो पॉजिटिव एडाप्टेशन मतलब कि सकारात्मक अनुकूलन, और दूसरा जो है नकारात्मक अनुकूलन। ऐसे बना लीजिए, बस आप लोगों को टर्म जानना है, ज्यादा नहीं। सकारात्मक अनुकूलन में एक लाइन लिख दीजिए, दूसरे देश के व्यवहार को अपने पक्ष में बनाना, दूसरे देश के व्यवहार को अपने पक्ष में बनाना। और नकारात्मक अनुकूलन में लिख दीजिए, दूसरे देशों की आलोचना को कारगर न होने देना, दूसरे देशों की आलोचना को कारगर न होने देना, या उन्हें विपक्ष में जाने से रोकना। अब कभी इंटरव्यू में पूछेगा, ये रटना उटना नहीं है, बस मैं तो चार लाइन लिखवा रहा हूँ कि आपके पास कुछ लिखा रहेगा तो आपको समझ में आएगा। कभी मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा विदेश नीति क्या होता है, आराम से जो समझे हैं वही बात बोलिएगा कि विदेश नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो देश भाग लेने जाते हैं वो अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करते हैं, और राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए हर देश अपनी रणनीति बनाता है, उसी रणनीति को विदेश नीति कहा जाता है, जिससे हमारी सुरक्षा होती है, जिससे हमारा विकास होता है, और साथ ही साथ विश्व स्तर पर भारत अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है। ऐसी रणनीति को जिसमें सिद्धांत भी होता है व्यवहार भी होता है, ऐसी रणनीति को विदेश नीति कहा जाता है। क्लियर हुआ? अपने ये एग्जाम में नहीं आएगा कि विदेश नीति क्या है, लेकिन मैं IR पढ़ा रहा हूं तो कम से कम इंटरव्यू में विदेश नीति के बारे में दो लाइन नहीं अर्थ बोल पाए तो सोचिए वो आपको देखेगा, आप उसको देखेंगे। आप सब तो बता दिए, आपको दो लाइन विदेश नीति का तो अर्थ तो आता नहीं, तो कम से कम ऐसा नहीं हो। पढ़ने का मतलब ये भी तो है कि कुछ आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैं विदेश नीति जानता हूँ, नहीं तो पता चले कि पूछ दिया कूटनीति क्या होता है, बोलिए दो लाइन, नहीं हो सकता। अब उल्टा इधर बताएंगे घुमा फिरा कर, तो घुमा फिरा कर नहीं, सटीक दो लाइन बोलिए कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चलाने की एक व्यवस्था है, इसमें सिद्धांत व्यवहार होता है, इससे देश अपने सुरक्षा विकास को बढ़ावा देता है, अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है, रणनीति है। अब देखिए इसमें दूसरा जो टर्म था उस पर चर्चा करें, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित 4-5 दिन में जितना भी बेसिक है सब पढ़ा दूंगा, इसको टर्म ही तो आपको जानना है, बाकी ज्यादा थोड़े इसमें जानना है कि राष्ट्रीय हित क्या होता है। तो देखिए नेशनल इंटरेस्ट कहते समय अभी मैं बार बार बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्रीय तत्व है। यदि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि न तो भारत अमेरिका की आलोचना किया, न तो रूस की आलोचना किया, न तो चीन की आलोचना किया, तो भारत जो है ऐसा क्यों किया? अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए किया, क्योंकि हमको रूस से भी तेल मंगाना है, हमको जो है वो देखा जाए तो अमेरिका से भी संबंध बना के रखना है। तो इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को यदि समझना है तो देश के राष्ट्रीय हित को समझना पड़ेगा कि देश का कैसा राष्ट्रीय हित है और कैसा वो व्यवहार करेगा। इसका इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय हित जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्रीय तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्रीय तत्व मतलब विदेश नीति की आधारशिला कह सकते हैं, विदेश नीति की आधारशिला, किसी भी देश का जो है मूल तत्व कह सकते हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना है तो आपको सबसे पहले उसका राष्ट्रीय हित समझ लीजिए, और राष्ट्रीय हित समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किन किन देशों से संबंध बनाएगा, क्या व्यवहार करेगा। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है कि भारत 8-10 साल पहले GS में भी पूछ चुका है कि भारत अमेरिका संबंध निरंतर कुछ मूल्यों को अपनाए हुए हैं और यह मूल्य निरंतर बने रहेंगे, कथन की समीक्षा करें, GS में आ चुका है। मतलब आज हमारा भारत अमेरिका संबंध मधुर है, आने वाले समय में भी मधुर रहेगा, क्यों? तो उसको कैसे लिखेंगे? भारत के राष्ट्रीय हित से ही तो लिखेंगे, ये बताइए। थोड़ा सा अरब देश नाराज हुए तो भारत को कहना पड़ा ना, भारत को जो अपना प्रवक्ता हटाना पड़ा ना, कि नहीं भाई इनका कथन अलग था, हम लोग का कथन अलग है, कहना पड़ा ना, क्योंकि अरब देशों से हमारा, यदि अरब देश नाराज होंगे तो हमारा राष्ट्रीय हित पूरा नहीं होगा। अरब देश में जो है 50 लाख लोग जो है भारतीय लोग रहते हैं, और कहीं के उनके साथ कोई दुर्घटना यदि होता है तो ऐसी दशा में भारत कैसे जवाब दे पाएगा? तो आप समझ रहे हैं, भारत को ये सब तुरंत याद आ गया कि नहीं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो हम कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय हित है
उसी के कारण ही तो भारत को जो है देखा जाता है सब स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं जो है ये गलती हो गया भाई, हम प्रवक्ता को अपने हटा दिए, भारत जो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, तमाम चीजें। तो हम कहते हैं कि ये विदेश नीति की आधारशिला है, क्योंकि इसी राष्ट्रीय हित को देखकर ही विदेश नीति बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए कि जिस तरह से समाज में हर व्यक्ति का अलग अलग हित है, व्यक्तिगत हित है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समाज में, विश्व परिवार में हर देश का अलग अलग हित होता है। उसी अलग अलग हित को हम लोग जो है राष्ट्रीय हित कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ हमारा प्राथमिक हित होता है, प्राथमिक हित का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, ये हमारा प्राथमिक हित है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। ये बताइए, भारत में हो सकता है आर्थिक मंदी आ जाए, भारत में हो सकता है कि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाए, लेकिन भारत में हथियार की कमी नहीं होगी, भारत में सेना पर खर्च कम नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा प्राथमिक हित, कोई भी देश उससे समझौता नहीं कर सकता है। कोई भी देश जो है वो देखा जाए तो वो उत्तरजीविता से संबंधित है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने स्वास्थ्य से कहाँ समझौता करते हैं, नहीं कर सकते। उसी तरह से देश का स्वास्थ्य जो है उसकी सुरक्षा है। जैसे मान लीजिए कुछ स्थायी हित होता है, कुछ मान लीजिए सामान्य हित भी होता है, कुछ संधि समझौते हैं जो परिवर्तनशील है। भाई हमें कहते हैं भारत जब शक्तिशाली होगा तो संधि समझौता हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि हम संधि समझौता, जैसे मान लीजिए लिमोया समझौता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, लिमोया लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मान लीजिए लिमोया समझौता पढ़ाऊंगा आगे भारत अमेरिका में, तो लिमोया समझौता है। या मान लीजिए सब करिए कि हम लोगों के यहाँ जो है MTCR मान लीजिए है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ये सब समझौता भारत का क्यों हो गया, क्योंकि भारत शक्तिशाली था इसलिए समझौता हो गया। भारत भविष्य में शक्तिशाली होगा तो और भी ज़्यादा समझौता हो सकता है। तो मैं बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो केंद्रीय तत्व है, तो उस केंद्रीय तत्व कहने का मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो देश भाग ले रहे हैं, वह देश अपना जो कार्य कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उसके पीछे जो सिद्धांत छुपा हुआ है, जो कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता। जैसे हम लोग देखिए दूसरे देश को टीका दे रहे थे तो पेपर वाले लिख रहे थे ना कि अपने देश में टीका लग नहीं पा रहा है, भारत जो है अफ्रीका में टीका भिजवा रहा है। अरे सोचना चाहिए था कि भारत अफ्रीका में टीकाओं का कुछ भिजवा कर उन लोगों से संबंध बनाकर, और कहीं ना कहीं सेशेल्स हुआ, अच्छा है, वो कौन सा देश है, हाँ पेगासस हुआ, अरे नहीं पेगासस नहीं, सेशेल्स के साथ लगा हुआ जो है, जो चीन जो है, चीन सेशेल्स में अपना सैन्य अड्डा बना रखा है ना, सेशेल्स में चीन अपना सैन्य अड्डा बना रखा है, जैसा समझिए। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत भी वहां पर जो है लीज पर जमीन लेकर अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। ये बताइए उन देशों की सहायता यदि हम नहीं करेंगे तो ऐसी दशा में जो है वहां पर हमारा सैन्य अड्डा रहेगा। आप ऐसे समझिए, मध्य एशिया में तजाकिस्तान में जो आयनी जगह है, आयनी में भारत का सैन्य अड्डा है। तजाकिस्तान ने जो है भारत को पूरा जमीन दे रखा है, भारत की सेना वहां रहती है। और आप देखिए भारत मध्य एशिया की कितनी सहायता करता है, तो कभी आपने सोचा कि ये सब सहायता क्यों किया जा रहा है? हमारा चीन से युद्ध होगा तो चीन नॉर्थ ईस्ट को तुरंत काट देगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बगल में वो रोड अपना बना रखा है। नॉर्थ ईस्ट से हम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, केवल एक ही बेल्ट है, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में गए होंगे जानते होंगे, एक ही बेल्ट है जाने का, उस बेल्ट को रोकेगा, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से कट गए, हमारी सेना वहां जा नहीं पाएगी। ये बताइए हम जो है उस पर कैसे हमला करेंगे, चाइना पर, तजाकिस्तान से करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताया कि इस तरह से रणनीति बनाई जाती है कि हम कुछ सहायता करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। अफगानिस्तान से देखिए भारत पुनः संबंध बनाना शुरू कर दिया, अभी देखिए 15-20 दिन से भारत पुनः जो है सहायता करना शुरू कर दिया, कुछ फंड देना शुरू कर दिया। भारत में भारत के जो लोग जो वहां पर जाकर देखा जाए तमाम कार्यक्रम से जुड़ भी गए, क्योंकि अब हमको ये नहीं सोचना है कि वहां तालिबान की सरकार है, भारत को अपना राष्ट्रीय हित देखना है। क्योंकि अफगानिस्तान से हमारे अच्छे संबंध रहेंगे तो पाकिस्तान कंट्रोल में रहेगा, अफगानिस्तान से अच्छे संबंध रहेंगे तो चीन भी कंट्रोल में रहेगा। अब हमको तालिबान हो चाहे कोई भी सरकार हो, भारत कहता था तालिबान आतंकवादी संगठन है, याद है, जब से तालिबान में जो है, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है तब से भारत का स्टेटमेंट कोई आया नहीं, आया न तो आएगा। ये रणनीति है, अब हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा राष्ट्रीय हित इससे प्रभावित हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्रीय तत्व है, इस केंद्रीय तत्व में जो है तीन चार बातें ऐसे बनाइए तो दो चार लिखवा दें। इसमें पहला चीज है कि अभी मैं बताया कि विदेश नीति की आधारशिला है, मतलब कि जैसे मान लीजिए
विदेश नीति का निर्धारक तत्व है, विदेश नीति का निर्धारक तत्व। दूसरा बात समझिए, राष्ट्रीय हित में अभी समझा रहा था, यहाँ पर देखिए, ये राष्ट्रीय हित समझा रहा था कि राष्ट्रीय हित जो है आपके राष्ट्रीय शक्ति से निर्धारित होता है। जितना शक्तिशाली होंगे उसके हिसाब से आपका हित पूरा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राष्ट्रीय हित है, ये राष्ट्रीय हित जो है प्रत्येक देश अपनी जो है क्षमता और आवश्यकता के अनुसार इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेपाल का मान लीजिए, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में आ गए, भारत 100 करोड़ रुपया दे दिया, बहुत है, 200 करोड़ दे दिया उतना ही बहुत है। भाई ऐसे समझिए, अमेरिका का जितना बजट है उस बजट में जितना अमेरिका घाटा दिखाता है उतना भारत का बजट, मोटा मोटी अमेरिका अपने बजट में जितना घाटा दिखाता है, जितना हमारा घाटा हो गया उतना ही भारत का बजट है। हमें कहते हैं जैसे भारत रक्षा बजट कितना है इस समय, अभी 2022 का जो बजट आया था उसमें रक्षा बजट भारत का जो है 60-70 अरब डॉलर है, 60-70 के आसपास है। चाइना का 115 के आसपास है, अमेरिका का 500 अरब डॉलर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रत्येक देश अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार इसे प्राप्त करता है, प्रत्येक देश अपनी क्षमता एवं आवश्यकता से प्राप्त करता है। और राष्ट्रीय हित जो है वर्तमान एवं भविष्य दोनों से संबंधित, वर्तमान और भविष्य दोनों से संबंधित है। और अभी मैं बता रहा था कि राष्ट्रीय हित जो है परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इसका मतलब राष्ट्रीय हित जो है गतिशील अवधारणा है, सापेक्षिक अवधारणा है, गतिशील आबलिक सापेक्षिक अवधारणा है। मतलब समय परिस्थिति के अनुसार बदलता है। सापेक्षिक का मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब समय परिस्थिति के अनुसार बदलता है। और मैं अभी बता रहा था कि आपको एक लाइन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी देश कोई कार्य कर रहा है, कोई व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे जो इसका मंतव्य है, उसके पीछे की जो नीति है, जो पीछे का सिद्धांत है, उसको राष्ट्रीय हित कहा जाता है। कोई भी देश जो व्यवहार आबलिक कार्य कर रहा है उसके पीछे का उद्देश्य रखना नहीं है, केवल आपको दिमाग में रखना है कि जब हम राष्ट्रीय हित शब्द का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, कहीं पर हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब क्या निकलता है। मैं बताया कि मैं 3-4 दिन अभी ये टर्म ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि भारत पड़ोसी देश पहले दिन पढ़ा कर क्या करूँगा, आपको रटना पड़ेगा। और ये जान लीजिए कि जीएस सेकंड में सबसे आसान ये आपका आईआर ही है, जो आप समझते होंगे सबसे कठिन है, उल्टा सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें उल्टा सीधा क्वेश्चन बनता ही नहीं, चाहे जितना घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तुरंत आप लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप हर देश का संबंध पढ़ते हैं। आपने कभी ये बताइए मैथमेटिक्स कठिन है कि आसान, कुछ लोग बोलेंगे बहुत कठिन है, कुछ लोग मान लीजिए जो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा लगता होगा कठिन है, लेकिन आप ये सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिएगा कि यदि मैथमेटिक्स में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया और आपको ABCD क्लियर है तो मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। एक तरीके से नहीं लगेगा, दूसरे तरीके से लगा दिया जाएगा, नहीं लगेगा तो आंसर को सेट करके लगा दिया जाएगा। मैं पेपर देख रहा था तो ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, बस एक थोड़ा उलझाऊ क्वेश्चन था, शांति से करने वाला क्वेश्चन था। ऐसा थोड़े कि मैथमेटिक्स बहुत कठिन है, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं किया था आपको तो हर चीज कठिन ही नजर आएगा। IR में भी जो हम लोग समझते हैं कि बड़ा सब फैक्ट है, फैक्ट नहीं है, सब मिलाकर जो है वो देखा जाए तो सब जोड़ घटाकर एक ही तरह का आंसर सब लिखा जाता है, क्वेश्चन बहुत डायमेंशन का नहीं बन सकता इसमें।